अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे, और आज हम बनाएंगे गोलगप्पे मेरे स्टाइल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ पर हमने लिया है आधा कप मैदा, नमक लेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, एक कप हम लेंगे सूजी, और हम लेंगे पानी, गर्म पानी लेंगे हम जितना हमें ज़रूरत होगा। सूजी यहाँ पर मैंने डाली है एक कप, मैदा हम डालेंगे आधा कप, नमक इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है, और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और गर्म पानी से अब हम इसके डो को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम डो को ज़रा टाइट गूंदेंगे, बिल्कुल नरम हमने नहीं गूंदना। डो को अच्छे से ऐसे मसल मसल के हम गूंद लेंगे। अब इसको हम गीला कपड़ा करके हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पर मैंने एक रुमाल को गीला कर लिया, अब इसको हम रख देंगे। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी चाट। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप उबले हुए आलू। आलूओं को हम मोटा मोटा मैश करेंगे, बिल्कुल बारीक मैश नहीं करेंगे, फिर ये अच्छे नहीं लगते। और इसमें हम डालेंगे 1 कप उबले हुए चने, इसमें हम डालेंगे उबली हुई बूंदी 1 कप। बूंदी को मैं ऐसे खोल लूँगी, ये मैंने बॉईल करके रखी थी और ये साथ जुड़ गई है। अब इसको हम खोल लेंगे, इनको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली थी। इसमें हम 2 चम्मच प्याज के डालेंगे, प्याज बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ये पानी छोड़ती है और फिर सही नहीं लगता इसका टेस्ट। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चाट हमारा रेडी है गोलगप्पों में डालने के लिए। चलें हम गोलगप्पों के लिए हम पानी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इमली का गूदा ले लिया था, इमली का पल्प मैंने लिया है 1 कप, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, टाटरी लिया, लेमन जूस, काला नमक, चीनी ली है, आमचूर पाउडर लिया है, नमक लिया है और धनिया पाउडर लिया है। इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी टाटरी, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, फिर इसमें हम डालेंगे काला नमक, इसमें मैं 2 चम्मच चीनी के डालूंगी, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब डालेंगे हम धनिया पाउडर, इसमें 1 चम्मच हम नमक का ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हमने इसमें लिया है आमचूर पाउडर। ये अब हमने नमक ऐड किया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी लिया, अब ये सारा मैं इसमें पानी में शामिल कर दूंगी। जग में डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गोलगप्पों के लिए पानी बिल्कुल रेडी है, चाट भी हमारी रेडी है और पानी भी हमारा रेडी है। डो हमने गूंदा हुआ था, अब हम डो को चेक करेंगे। इसको अब हम दोबारा से अच्छे से एक दफ़ा गूंद लेंगे।
अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैं 3 पेड़े बनाऊंगी, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी। इसका हम आटे की तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे हम पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 पेड़ों को रेडी कर लेती हूँ। चलें अब हम इसके पेड़े से हम रोटी बेलते हैं। बिल्कुल रोटी की तरह करना है। ये थोड़ी टाइट गूंदी है इसलिए मैं इसको हाथों से अच्छे तरीके से इसको फैलाती रहूँगी। इसको अब हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। बिल्कुल बारीक मैंने यहाँ पर बेल ली है, देख सकते हैं कितनी पतली मैंने ये बेली है। अब कोई भी कटर लेंगे, कोई आप कुकी कटर या कोई भी आप कटर ले लें उससे आप इसको कटिंग कर लें। यहाँ पर ये मैंने गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। अब ये सारे उठा के साइड पे करूँगी। और अब हम इनको दोबारा से अलग अलग बेलते रहेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सबको बेल लिया, अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले तेल को तेज़ आंच पर गरम कर लिया है और अब मैंने जब इसको गोलगप्पों को डाला तो मैंने यहाँ पर आंच हल्की कर ली है। इसका आपने ये छोटी छोटी टिप्स अपने माइंड में रखनी है। और अब इसको जब हम डालेंगे ऊपर से हम प्रेस करेंगे तो ये ऐसे फूल जाएगा। ये ऐसे हम और भी डालते जाएंगे, उनको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे तो ये गोलगप्पे फूलते जाएंगे। इनको अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं कर देना, बस लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर गोलगप्पे अच्छे से फूल भी गए हैं और इनका अच्छा सा कलर भी आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हम सारा निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे गोलगप्पे बन के रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी फ्राई हुआ है, कितने अच्छे हमारे यहाँ पर गोलगप्पे बने हैं। अब इनकी फिलिंग करेंगे। इसमें हम डालेंगे चाट। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी रखी हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके साथ हम इमली की चटनी सर्व करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी या कोई भी आप चटनी सर्व कर सकते हैं। गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।